हेलो एसएससी लर्नर्स, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज में देखो क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। अगर हमारा 12 का पेयर होगा तो उसमें हमें, अगर हमारी 12 नंबर की सीरीज होगी तो हमें उसको पेयर में कन्वर्ट करना है। या तो ये कितने पेयर में हो सकता है? 3 के और 4 में। अगर हमारे यहाँ पे 16 का होगा तो ये 4 के ही पेयर में होगा, ठीक है। अगर हमारे ये 18 के पेयर में है तो बनाएंगे तो क्या कितने का बन जाएगा? 6 का बन जाएगा, ठीक है। 3 का ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर 20 का आएगा तो 20 का कितने पेयर हो जाएंगे? एक तो 5 का हो जाएगा, एक 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो 5 का पेयर बना दिया हमने। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो देखो लास्ट वाली डिजिट इसकी खाली है और यहाँ पर बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी, ठीक है। अब आते हैं इसमें ए और बी के बीच में क्या आएगा? ए और बी के बीच में ए आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए, ठीक है। अब ऐसे ही वाला देखिए, बी और ए के बीच में क्या आएगा? बी और ए के बीच में क्या आएगा? बी और ए के बीच में बी आ रहा है, बी और ए के बीच में बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी, ठीक है। अब ए और बी के बीच में देखना है, क्या देखना है? ए और बी के बीच में, तो देखो ए और बी के बीच में ए आ रहा है, ए और बी के बीच में ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, ठीक है। इतना समझ आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे कितने इसमें डिजिट्स है, कितने अल्फाबेट है इसमें। इसमें 12 डिजिट्स है। देखो इसके हम पेयर कर लेते हैं, 6 के पेयर कर लेते हैं। 12 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 हो गए, वहाँ पे 6 हो गए। तो हम देखते हैं इसमें, देखो बी बी ए ए, क्या बी बी ए ए, तो यहाँ ए बी, यहाँ क्या आना चाहिए? बी ए ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी बी ए ए बी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो कैसे पेयर बन रहा है, ए बी बी ए ए बी, ए बी बी ए ए बी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पेयर बन रहा है, समझ आया आपको? अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखो ये है 18, 18 है तो हम इसको 6 में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब आते हैं इसमें खाली है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो ये भी कितने आ रहे हैं इसमें भी? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 भी, 4 भी, ठीक है। इसमें 4, 4, 4। अब देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, लेकिन इसमें ए मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए। तो अब देखो ए से पहले क्या आ रहा है? ए से पहले सी आ रहा है, क्या आ रहा है? सी। तो हमने यह क्या लिखा? सी, ठीक है। तो हमारी क्या बन जाएगी इसमें? सी ए चारवा भी, सी ए चारवा भी, सी ए चारवा भी, ठीक है। इतना समझ आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देख लेते हैं, ये हमारे 4, 8, 12 और 16। तो देखो इसमें 16 का पेयर बन रहा है, 16 का पेयर बनने क्या बनता है? 16 की अल्फाबेट बन रही है, 16 की अल्फाबेट के लिए पेयर क्या बताया था मैंने? 4 का। तो हम इसमें 4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 में डिवाइड हो गए। तो अब देखो पी से पहले क्या आ रहा है? पी से पहले ओ, पी से पहले ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? ओ। तो देखो ये क्या बनना है? एम एन ओ पी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एन से पहले क्या आ रहा है? एम। तो यहाँ पे हमने लिखा एम, यहाँ से एन से पहले एम और ओ से बाद में पी, फिर एम से पहले एम के बाद एन, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, वैसे भी ये आपकी बुक में है नहीं, ये बुक से अलग ही है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं ये वाला, ये भी आपका बुक से अलग है, ये भी आपका बुक से अलग है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ। तो चलो हम ये
वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखो इसमें 20-20 का है, हम इसमें 5-5 के पैर ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो ये 5-5 के पैर हो गए। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, यहाँ भी ए आना चाहिए, ठीक है। अब ए से पहले क्या आ रहा है? सी। ए से पहले सी और सी से पहले सी, ए से पहले सी, सी से पहले सी, ए से पहले सी, सी से पहले सी। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? सी, ठीक है। तो देखो हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया, तो अब हमें ये भी पता चल जाएगा क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बी सी सी ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी सी सी ए, ए बी सी सी ए, ए बी सी सी ए, ठीक है। हमारी ये जो रिपीटेड सीरीज क्या बनती है? ए बी सी सी ए, ए बी सी सी ए, ए बी सी सी ए, ए बी सी सी, ठीक है। इतना क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। ये वाला आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसको इसका आंसर दो, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चलिए इनको भी डिवाइड कर लेते हैं पहले इनके पैर में। ये कितने हैं? 4, 18 है, इनको 6-6 के पैर में कर लेते हैं। 6-6 के पैर में होते हैं, कर लिए डिवाइड। अब आते हैं इनमें, देखते हैं सबसे लास्ट में बी है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा और यहाँ पर बी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डी से पहले क्या दिया है? डी से पहले ए दिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो ये वाली तो पूरी सीरीज हो गई हमारी। बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। देखो बी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? सी आ रहा है। तो अब देखो ये दोनों पूरी हो गई, तो इसको पूरी करने में कोई मुश्किल तो होगी नहीं हमें। तो यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। ए के बाद क्या आ रहा है? बी। सी के बाद ए, सी के बाद ए। अब ए के बाद क्या आ रहा है? डी। तो ए के बाद क्या आएगा? डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं, इन्हें भी कर लेते हैं। तो बट ये भी 6-6 में कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में सी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। अब सी से पहले क्या आ रहा है? सी से पहले क्या आ रहा है? बी। सी से पहले क्या आ रहा है? बी। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? बी। उसके बाद अब डी से पहले क्या आ रहा है? डी से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? सी। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? सी, ठीक है। और बी ए, तो बी के बाद क्या आ रहा है? ए। बी के बाद क्या आ रहा है? ए। बी के बाद क्या आ रहा है? ए, ठीक है। तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अच्छा ये तो रह गया, ए के बाद क्या आएगा यहाँ पे? सी। ए के बाद क्या आएगा यहाँ पे? सी। ए के बाद क्या आ रहा है? सी। ए के बाद क्या आ रहा है? सी, ठीक है। तो देखो बी ए सी, बी बी सी, बी ए सी, डी बी सी, बी ए सी, डी बी सी, ठीक है। इस तरीके से हमारी रिपीटेड सीरीज चल रही है। अब ये वाली को चलते हैं, इसको भी हम 6-6 के पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6-6 के पेयर में हो गया। अब देखते हैं इसको लास्ट में बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, ठीक है। ए आ रहा है इसमें भी, इसमें भी ए आ रहा है। तो मतलब कि ए के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? बी। ए के बाद क्या आना चाहिए? ए से पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे? बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बी, ठीक है। ए से पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे? बी। अब आते हैं देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा सी आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सी के बाद ए है, तो यहाँ पे सी के बाद ए कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी के बाद ए हो जाएगा, यहाँ पर भी सी के बाद ए हो जाएगा। अब ए के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? डी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी, ठीक है। इतना क्लियर? अब आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आप करके दिखाओगे। अब
मैं आपको दो क्वेश्चन और देती हूँ, वो भी आपको करने हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों, आपके लिए ये होमवर्क है 11, 12 और ये 10, ठीक है? आपको ये करके दिखाने हैं, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है और इसकी रिपीटेड सीरीज क्या बन रही है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।